बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। लोकसभा चुनाव के बीच ही इंडिया गठबंधन को एक और झटका लगा। दूसरी बार यूपी में इंडिया गठबंधन टूटा और इस बार जयंत चौधरी की आरएलडी के बाद पल्लवी और कृष्णा पटेल की अपना दल का मेरावादी इंडिया गठबंधन से अलग हो गई। इस खबर पर मुहर खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत के दौरान लगाई। अखिलेश ने कहा कि 2022 में अपना दल का मेरावादी से गठबंधन हुआ था लेकिन अब टूट गया है। 2024 लोकसभा चुनाव में सपा और अपना दल कमेरावादी का गठबंधन नहीं है। 22 का गठबंधन था, अब 24 में नहीं है। अभी आपको क्या लगता है? जो आपको लगता है वो न्यूज चलाइए। ये मैंने आपसे कहा ना कि हमारे साथ असली लोक दल है। आप एक दिन पहले बुधवार को ही अपना दल कमेरावादी की नेता कृष्णा पटेल ने यूपी की मिर्जापुर, फूलपुर और कौशाम्बी सीट से अपना प्रत्याशी उतारने का एक तरफा ऐलान किया था। बताया जाता है कि कृष्णा पटेल सपा से तीनों सीटें मांग रही थी। सपा की तरफ से उनकी मांग पर कोई तवज्जो नहीं मिलने पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान कृष्णा पटेल ने कर दिया। इस बीच बुधवार शाम सपा ने मिर्जापुर से अपना प्रत्याशी भी उतार दिया। हालांकि तीनों सीटों पर प्रत्याशी उतारने की घोषणा करते हुए कृष्णा पटेल ने कहा था कि वो इंडिया गठबंधन का अब भी हिस्सा हैं और इंडिया गठबंधन के तहत ही तीनों सीटों पर अपना प्रत्याशी उतार रही हैं। माना जा रहा है कि कृष्णा पटेल ने सपा से बिना कोई बात किए ही प्रत्याशियों को उतारने का ऐलान कर दिया था। इससे पहले यूपी में राज्यसभा चुनाव के दौरान पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव के बीच तीखी बहस हुई थी। पल्लवी पटेल ने सपा प्रत्याशियों को वोट नहीं देने का साफ ऐलान कर दिया था। उनका विरोध राज्यसभा के सपा उम्मीदवार जया बच्चन, आलोक रंजन को लेकर था। लेकिन काफी मान मनोबल के बाद पल्लवी पटेल ने ये कहकर वोट दिया कि वो पीडीए को वोट दे रही हैं। वहीं इसके अलावा अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वरुण गांधी के सपा से चुनाव लड़ने पर भी बयान दिया। दरअसल बुधवार को सपा ने पीलीभीत सीट पर पूर्व एमएसएमई मंत्री भगवत सरन गंगवार को उतारा है। इसके बाद वरुण गांधी के सपा से चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लगा, लेकिन अब भी चांस खत्म नहीं हुआ है क्योंकि सपा प्रत्याशी बनने के बाद भगवंत सरन ने कहा है कि अगर वरुण गांधी सपा में शामिल हुए तो मैं अपनी सीट वरुण के नाम पर छोड़ने को तैयार हूं। और जब इसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव से पूछा गया तो उनका बयान भी इस बात की ओर इशारा दे गया कि सपा ने वरुण गांधी के लिए दरवाजे अभी भी खोल रखे हैं। तो बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, वो इस बात के लिए तो हम उनको धन्यवाद देते हैं कि अगर उन्होंने ये कहा है कि वरुण गांधी जी अगर लड़ना चाहे, हमारी जानकारी में नहीं है लेकिन उन्होंने कहा होगा तो वो जानते होंगे इस बारे में। वहीं से पहले समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने भी वरुण गांधी को लेकर कहा था कि अगर वो चाहें तो समाजवादी पार्टी में आ सकते हैं और टिकट ले सकते हैं। यानी वरुण गांधी का अगर टिकट बीजेपी काटती है तो उनके लिए सपा के दरवाजे तो खुले हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि वरुण गांधी की बात होगी तो मेनका गांधी की भी होगी। मेनका गांधी सुल्तानपुर से सांसद हैं, लेकिन अगर मेनका गांधी को टिकट मिल जाता है तो फिर क्या वरुण गांधी बीजेपी से बगावत करके सपा ये कहीं और जाएंगे? ये तो देखने वाली बात होगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।